Welcome to back my channel. Asme 32 साइज का फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग करके दिखाऊंगी कैसे स्टिचिंग करते हैं और कैसे कटिंग करती है। अगर आप तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए फुल वीडियो को वॉच करना ना भूले। पहले में पेपर कट करना है। ये ऊपर का पार्ट का जो लेन है इसको मैं 12 रखना है। शोल्डर लेना है 4.5। आर्म लेना है 4.5। इसको मिलाना है, इस तरह मिलाना है इसको, यहां से भी ऐसे मिलाया। नेक का सराई लेना है 1.7 इंच लेना है। नेक लेंथ लेना है 3.5। इसको मिलाना है। इसको शेप देना है। इसको थोड़ा गुलाई करना है। यहां से हाफ इंच रखकर गुलाई करना है। इस तरह साथी लेना है। तो यहाँ से मैं 8 रखना है, यहाँ से 1 इंच रखना है। इसको शेप देना है। सिलाई के लिए 1 इंच सिक्स है, तो यहां से 8 इंच कम रखना है। से 8.5 रखना है कुमार। इसको ऐसे मिलाना है। अब इसको कटिंग करना है। ठीक इसी तरह बैक पार्ट भी इसी के हिसाब से कट करना है। बैक पार्ट में मैं हुक रखूंगी। अभी फैब्रिक कट करना है। इसमें फैब्रिक 2.5 मीटर है। सबसे पहले यहाँ कपड़ा को फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये मेरा खुला साइड है और ये जॉइंट साइड है।
ये जिस तरह ज्वाइन छेद है इसी तरह इसको भी ज्वाइन छेद की तरह रखना है। इसमें टू फॉल है, इसमें टू फॉल है, इसमें मैं फोर लेयर दिया। ठीक व्यापार के हिसाब से निशान देना है इस तरह, ये साइड भी। इसको हल्का सा शेप देना है। तो इसको काट करना है। इसको कटिंग कर लिया, इसको अलग करना है। ये फ्रंट पार्ट कट कर लिया, अभी बैक पार्ट कट करना है। मैं यहाँ मिडल से कट करना है। ये दोनों पार्ट कटिंग कर लिया। यहाँ से मैं टैक्स पॉइंट देना है। टैक्स पॉइंट में 4 इंच रखना है। नीचे का पार्ट जो है वो सीधा ही कट करना है, मैं कुछ ही देना है। इसमें से जो भी कपड़ा बचा है कुछी में लगा दूंगी। ये मुझे सिलने के बाद 32 इंच चाहिए। तो अभी यहाँ कितना है देखना है लेंथ। हाँ, इसमें 33 है, तो ऊपर 1 इंच रहेगा सिलने में, नीचे भी 1 इंच रहेगा, तो यह 33 इंच है। अब इसको यहाँ से ज्वाइन है उसको काट के अलग करना है। ये दोनों पार्ट कटिंग कर लिया। अब इसको सिलाई करना है। इसमें बैक साइड में मैं हुक रखना है। ये मैं ऊपर से लगा रही हूँ, ये हुक पट्टी है।
और इसको उल्टा साइड से लगाना है। ये ज़्यादा है, उसका काट करना है, काट कर देना है। इसको इस तरह ऐसे ऊपर से एक सिलाई लगाना है। और फिर उसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके लेना है। इसका लगभग और एक सिली देना है। ये ज़्यादा है, उसको काट कर देना है। उसको भी ऐसे ऐसे फोल्ड करना है। इसको थोड़ा सा काट कर देती हूँ। यहाँ से इस तरह उसको ऐसे सिलना है। यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंड देना है। इस साइड भी ऐसे यहाँ से ये हुक पट्टी लगा लिया, ये टक्स पॉइंट भी दे दिया। अभी ये फ्रंट पार्ट भी यहाँ से टक्स पॉइंट देना है। इस साइड भी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जोड़ लेना है। ऐसे मैं यहाँ से सिलाई दूंगी। इसमें डबल सिलाई देना है। मैं यहाँ से एक कच्चा सिलाई करना है, बाद में उतार दूंगी मैं। इसका पूरा फिटिंग्स है 28
28 इंच। तो ये यहाँ फिटिंग्स है, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आधा इंच रखकर उसको काट कर देना है। अब इसमें कुछ ही देना है, इसमें दो पात है, पहली में ये पात यहाँ से कुछ ही देना है, ठीक यहाँ से। जी इस तरह खुशी हो गए ऐसे। अबे ये दूसरा पार्ट भी ठीक वैसे खुशी रखना है। यहाँ से ये दोनों पात कुसी दे दिया। ये कुसी ऐसा रहेगा। अभी इसमें बाजू लगाना है।
अभी इस साइड तो ऐसा लगाया, इस साइड यहाँ से सीना है। और इसको ऐसे मोड़ना है। ये साइड भी ज्यादा है, इसको काट देना है। अब ये दूसरा साइड का बाजू लगाना है। इसको भी मोड़ना है। अभी ये बाजू लगा लिया, अभी यहाँ से नेक पुट्टी लगाना है। इसको मैं कुर्सी के लिए कुछ देने के लिए इसको कच्चा सिलाई किया था, इसको उतार लेना है। इसे इसको खोल दिया मैंने। इसको यहाँ से सिलाई करना है। इसमें सूता करके एक कुछी देना है। बराबर रखना है। इसमें थोड़ा कम है, इसमें ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा सिलाई कर देना है यहाँ से। अभी बराबर है। अभी इसमें छोटा छोटा काट देना है। अभी ठीक यहां से एक सिलाई देना है।
यहाँ से मैं ऊपर से एक सिलाई दूंगी। ऐसे इस तरफ मुड़ लेना है, तो मैं ऊपर से इसलिए देना है। चाहे तो ये सिले हैंड सिले भी कर सकती हो, लेकिन मैं मशीन में घूम जाना है। ये सिली कर दिया। अब इसको फिटिंग्स माप लेना है। टू साइज का है, तो यहाँ मैं 16 इंच रखूंगी। तो बाजू रखना है 8 इंच। और यहां से भी 8 इंच ही रखना है। यहाँ से कमर लेना है 28 इंच। तो इसको इस तरह मिलाना है, दोनों साइड को मिला दिया। और इधर से तो जितना भी कपड़ा है इसको पूरा ही रखना है। अभी मैं यहाँ से सिलाई दूंगी। दोनों साइड भी ऐसे डबल सिली देना है।
ये सिलाई कंप्लीट किया मैंने। ये सिलाई करने के बाद इस तरह आया। अगर फ्रेंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।